बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरे प्यारे बहन भाई सब खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आपको खुशबाश रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे आलू वाली बड़ियाँ, तो देखते हैं बेगम साहिबा क्या कर रही है, तो चलें हम आपको दिखाते हैं। आज हम बनाएंगे बेसन की बड़ियाँ। तो एक प्लेट मैंने बेसन लिया, वो मैंने परात में डाल दिया और कुछ ज़ीरा मसाला, लाल मिर्च और नमक लिया है, ये भी इसमें डाल दूँगी। ये वाली चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। अब इसे मिक्स कर लूँगी। आज अदन कह रही है, उमर भी कह रहा है कि मम्मा बेसन की बड़ियाँ बनाएं और आलू बड़ियाँ का सालन बनाएं। तो मैंने कहा चलें बच्चों को बना देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। देखिए बेसन मैंने इस तरह का गूंद लिया है। तो अब इसकी बड़ियाँ बनाते हैं। इसको प्लेट में निकाल दूंगी। चलें तो अब मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह आटा लेती जाऊंगी और इस तरह बढ़िया बनाती जाऊंगी। अदन मोटी मोटी या बारीक बारीक? इस तरह की बनाती जाऊंगी। बस बढ़िया, मैंने बेसन की बढ़िया तो मैंने बना ली हैं। अब बाकी की चीज़ें तैयार करती हूँ। बस इतनी सी हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटी सी फैमिली है, बहुत ज़्यादा नहीं हम बनाते। अब बाकी की चीज़ें मैंने कहा तैयार कर लेते हैं। टमाटर भी मैंने काट के रख लिए, लहसुन भी छील लिया, प्याज काट रही हूँ और आलू भी मैंने छील कर धो लिए हैं। तो प्याज काट के बाद में मिर्चें काट लूँगी। आलू काट लेते हैं। आलू मैंने काट लिया, अब इसमें पानी डाल के रख दूँगी। चीज़ें सारी मैंने तैयार कर ली हैं, तो बड़ियों को फ्राई करते हैं तो फिर सालन बनाते हैं। पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है, आग जला दी है उसके नीचे। अब उसमें ऑयल डाल दूँगी बड़ियाँ फ्राई करने के लिए। ऑयल मैंने डाल दिया है, जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें बड़ियाँ डाल दूँगी। ऑयल गर्म हो गया है तो अब उसमें बड़ियाँ डालते हैं। अच्छे से गोल्डन फ्राई कर दिए। बढ़िया फ्राई हो गई हैं, अब चूल्हा बंद कर देंगे।
के लिए डिश में निकाल लेते हैं। बहुत मज़े का सालन बनता है आलू बड़ी। फ्राई हो गई तो अब सालन बनाते हैं। अब एक देगची ले लिए मैंने, चूल्हे के ऊपर रख दिया। सबसे पहले तो इसमें मैं प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, ये डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह, सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसमें। अब थोड़ा सा पानी डालूंगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कोई भी शोरबे वाला सालन हो तो हम लहसुन प्याज थोड़ा सा पहले बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज थोड़ा सा बॉईल कर लें तो शोरबा इतना अच्छा गाढ़ा सा बनता है। तो इसी वजह से हम तो कूटा हुआ लहसुन भी नहीं खाते हमारे यहाँ। तो फिर हम थोड़ा सा पहले पानी डाल के बॉईल कर लेते हैं, जब इसका मसाला सा बन जाए फिर इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। तो अब इसे कवर कर देते हैं। तो अब इसमें हरी मिर्चें भी डाल दूंगी। बस तीन चार हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी हैं। सारी चीज़ें मिक्स भी कर दी हैं। ये जो हमने लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्चें इसमें डाली थी वो अच्छे से बॉयल हो गई हैं, नरम भी हो गई हैं। तो अब इसमें बाकी के मसाले डालते हैं, सूखे मसाले। मिक्स मसाला लिया मैंने, एक दालचीनी का स्टिक लिया है, लाल मिर्च ली है, हल्दी ली है और नमक लिया है। ये भी चीज़ें सारी अब इसमें डाल दूँगी, डाल दी हैं मैंने, अब मिक्स कर लूँगी। मिक्स मैंने कर दी हैं। अब हल्का सा पानी जो है खुश्क हो जाए तो इसमें ऑयल डाल दूँ। जिस ऑयल में मैंने बढ़िया फ्राई की हैं वही वाला ऑयल अब सालन में डालूँगी। ऑयल भी मैंने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। अब इसमें मैं आलू डाल दूँगी। काट काट मैंने पानी में भिगो कर रखे हुए हैं ताकि आलूओं का कलर ब्लैक ना हो। अब सबसे पहले तो मैं आलू डाल दूँगी, बाकी के सारे मसाले मैंने भून लिए हैं। इसी तरह की चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादातर खाते हैं, अदन मार सब्ज़ी तो बिल्कुल नहीं खाते, कहते मम्मा बस दालें बनाए, हर रोज़ाना दालें। तो इसके पापा बच्चों को पापा कहते हैं कि सब्ज़ी भी बनाए, बच्चे कहते हैं कि सिर्फ हमने खानी है तो खानी है दाल। आलू पहले हम 5 मिनट तक भून लेंगे, बाद में बढ़िया डालेंगे। आलू मैंने 5 मिनट तक भून लिए हैं, अब इसमें मैं ये बढ़िया डाल दूंगी। बढ़िया मैंने डाल दी हैं, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स मैंने कर दी है, अब 5 मिनट तक और भूनूंगी तो फिर इसमें पानी डाल दूंगी। 5 मिनट तक मैंने भून लिया है, पहले 5 मिनट तक आलू भी भूने थे, फिर 5 मिनट तक पड़िया डाल के और भूना है, तो अब इसमें पानी डाल दूंगी 1 कप। पानी डाल के मैंने मिक्स कर दिया है, अब तब तक पकाएंगे कि आधा पानी खुश्क हो जाए। तो अब इसे कवर कर देते हैं। आधा पानी खुश्क हो गया है, सालन हमारा बन चुका है। अब इसमें कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा डाल दूंगी। डाल दिया मैंने कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, तो मिक्स कर दूंगी। तो 2 मिनट तक अब और पका लेंगे, तो फिर इसे डिश आउट करेंगे।
सालन हमारा बन चुका है। अब हम डिश आउट करते हैं आलू बढ़िया। आलू बड़ियों का सालन हमारा तैयार हो गया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आए इसे शेयर और लाइक करना। हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रब सोने दे हवाले। रब रखा अल्लाह।